आजकल जो बायोग्राफी आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं, इतनी फिल्में बायोग्राफी बनती हैं, ये सब बनती हैं, स्टोरीज बोल के ले उसकी लाइफ के ऊपर है। उसमें जो लिखने वाला है वो पैसा लेता है, क्या लेता है और लिखता क्या है, जो वो चाहता है लिखवाने वाला, जो क्योंकि ही इज द सर्वेंट, वो एक सेवक है, पैसा लिया लिख दिया, लिखा क्या, बोले जो आपने चाहा। इतनी बायोग्राफी आपने पढ़ी है, उन बायोग्राफी में कोई कुछ नहीं, ये शराब पी के पढ़े रहते थे, कोई नहीं लिखेगा, कहीं पढ़ा है आपने, देखा है ये चोरी करते थे, कहीं पढ़ा है किसी की बायोग्राफी में है इन्होंने इतना बड़ा ये किया वो किया, कुछ नहीं होता। वो होता है जो या तो दिखाते हैं कि कितने गरीब थे या कुछ ऐसा दिखाते हैं, ठीक, स्ट्रगल दिखाते हैं। पहली बात तो पैसा लेके बायोग्राफी लिखने वाले वही लिखेंगे जो लिखवाने वाला चाहेगा। तुलसीदास जी ने रामायण लिखने का कोई पैसा, जोर से बोलो, किसी से नहीं लिया। और ये रामायण लिखी किसकी आज्ञा से तुलसीदास महाराज ने, भगवान श्री राम ने कहा, आज्ञा किसकी, भगवान श्री राम की कि आप रामायण लिखो। तुलसीदास जी ने कहा महाराज मैं ना तुच्छ प्राणी, कहाँ रामचरित अपार वारिध, रामायण आपका चरित्र है महाराज, मैं कैसे, मेरे जैसे कलियुगी प्राणी का साहस कहाँ कि मैं रामायण लिख सकूं, मैं कैसे लिख पाऊंगा। बोले नहीं आप लिखो, बोले मेरे से सामर्थ्य नहीं है। हनुमान जी ने कहा डोंट वरी, आई हैव सीन एवरीथिंग, मैंने सब कुछ देखा है, जहां जहां कुछ गलत लिखने की कोशिश करोगे या रुक जाएगी लेखनी, वहां वहां मैं आके राइट कर दूंगा, क्योंकि मेरे सब मैंने देखा हुआ है, जो जो भगवान ने की लीला की है। ध्यान से सुनना, रामायण कितनी प्रमाणिक है वो बता रहा हूं। हनुमान जी ने पूरी रामलीला, रामचरित मालूम है हनुमान जी को, बोले जब जब कुछ इधर उधर लिखनी जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। दूसरी बात, पूरी रामायण लिखने के बाद बाबा भोलेनाथ का सिग्नेचर है, पूरी रामायण लिखने के बाद। अब वो स्टोरी मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं उसे फिर दोबारा से कहूं। काशी के विद्वानों ने कहा, अरे क्योंकि संस्कृत भाषा में हमारा सब ग्रंथ चलता है, और उन्होंने एकदम लिख दिया हिंदी में और भोजपुरी भाषा का मिक्स करके, अरे ये क्या ग्रंथ है, ये तो तुलसीदास समझ नहीं रहा, देव भाषा का अपमान कर रहा है। तब विश्वनाथ जी के मंदिर में रामायण को रखा गया, रामचरितमानस को रखा गया, सबसे नीचे सभी ग्रंथों में रखा गया। सुबह जब मंदिर कपाट खोले गए तो बाबा भोलेनाथ का सिग्नेचर मिला उस रामायण पे, सिग्नेचर। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तुलसीदास जी कोई बहुत पुराने नहीं है, सिग्नेचर मिला का ये प्रूफ है, प्रमाणित है, जो लिखा है एकदम सटीक है। तो इसका तो मैंने प्रमाण दिया आपको, राम जी की आज्ञा से लिखा गया, हनुमान जी के सर्वेक्षण में लिखा गया, और बाबा भोलेनाथ ने लिखने के बाद में अपना सिग्नेचर कर दिया। इसका मतलब है रामायण फुली प्रमाणिक है। एग्री करते हो कि नहीं मेरी बात से, करते हो? उसी में आया है श्लोक, श्रद्धा विश्वास। इस बात को समझिएगा, जितने भी लोग धर्म करने वाले लोग हैं, भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं, भगवान को पूजने वाले लोग हैं, उन सबको एक बात निश्चित तौर तरीके से समझ लेनी चाहिए, कंफर्म हो जाना चाहिए, धर्म के मकान की अगर कोई नींव है तो वो श्रद्धा और विश्वास ही है। जिस मकान की नींव कमजोर हो वो मकान ज्यादा देर चलता नहीं। जिन लोग धर्म के मार्ग पर चलना तो चाहते हैं लेकिन ईश्वर में सच्ची श्रद्धा नहीं है और पूरा विश्वास नहीं है, वो लोग ज्यादा देर तक धर्मात्मा बन नहीं सकते। वो तो क्या कहूं मैं,
क्या कहूं उनको मैं, आप खुद ही कह लो। धर्म को अगर आप वाकई मजबूती से करना चाहते हो, ईमानदारी से धर्मात्मा बनना चाहते हो, तो अपने धर्म की नींव को मजबूत रखो। तुम्हारे धर्म की नींव मजबूत होनी चाहिए।